बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। हम लोग यहां पर प्रोबेबिलिटी क्लास 10 का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आज 11 डे है और हम लोग बहुत पास आ गए हैं अपना चैप्टर कंप्लीट करने पर। धीरे धीरे हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और होपफुली आप सबको पसंद भी आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आज डे 11 है और आज हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए बेटा। 35 क्वेश्चंस आपको बोलता है कि अ चाइल्ड इज प्लेइंग विद हिज पिगी बैग विच कंटेन्स 20 रुपी 1 कॉइन, 30 रुपी 2 रुपीज कॉइन्स एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। वेन द पिगी बैग इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, इट इज लाइकली दैट 1 कॉइन मे फॉल डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक पिगी बैग में अलग अलग तरह के सिक्के इकट्ठे किए हैं एक बच्चे ने, जिसमें 1 रुपी का, 2 रुपी का और 5 रुपीज के कॉइन है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है कि जो पिगी बैग है उसमें क्या है, जो एक रुपीज के जो कॉइन है वो कितने हैं नंबर्स में, 20 है, 2 रुपीज के कॉइन आपके 30 है और 5 रुपीज के कॉइन आपके 10 है। तो एक पिगी बैग में टोटल आपके कितने कॉइन्स है, 60 कॉइन्स है सारे मिलाकर। तो 60 क्या है बेटा, हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की निकालनी है तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपका 60 है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है नाइदर रुपीज 1 कॉइन नॉर रुपीज 2 कॉइन। मतलब जब उस बच्चे ने पिगी बैग को टेढ़ा किया, टिल्ट किया थोड़ा सा, तो उसमें से एक कॉइन निकला, तो वो ना ही रुपी 1 का कॉइन होना चाहिए और ना ही रुपी 2 का कॉइन होना चाहिए। तो सिंपल है, जब वो 1 का नहीं है और 2 का नहीं है तो इसका मतलब 5 का ही बाहर आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है 5 रुपीज कॉइन की, आपकी 10 है और टोटल आउटकम्स क्या है बेटा 60 है। तो पहला आंसर हमारा हो जाता है 1/6। इन सेकंड कंडीशन बोलता है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए कि कॉइन 1 ही बाहर आएगा। तो कॉइन 1 के लिए अगर आप बात करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर 20 कॉइन्स है, तो यहाँ पर हो जाता है 20/60, तो ये आपका हो जाता है 1/3। उसके बाद बात करते हैं 2 रुपीज कॉइन की, अगर 2 रुपीज कॉइन बात करते हैं तो 2 रुपीज में आपके कितने कॉइन्स है, 30 है, 30/60 आपका हो जाता है, तो आपका हो जाता है 1/2। तो होपफुली आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 35 है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 1 से लेके 20 तक कुछ बॉल्स हैं जो एक बैग में डली हुई हैं। 21 से लेके आपका 20 तक नंबर ऑफ बॉल्स है जो एक बैग में है, उनकी अलग अलग आपको प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी और आपको उसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 आपकी ये नंबर ऑफ बॉल्स है जो यहाँ पर डली हुई है बॉक्स में। ठीक है, उसने बोला है कि जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, आपको क्या है ऑड नंबर की बॉल को निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है ऑड नंबर, जिसकी बॉल का नंबर क्या होगा ऑड होगा, मतलब 1 से लेके 20 तक बॉल्स हैं और उनपे एक एक स्टिकर का एक एक नेम छपा हुआ है कि 1, 2, 3 इस तरीके से। तो ऑड बॉल्स कितनी होगी, ऑफकोर्स यहाँ पर आपके सामने आप देख रहे हो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, ये आपकी क्या है ऑड बॉल्स है और जब आप इनको काउंट करते हैं तो हो जाता है 10। और टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितने हैं, ऑलरेडी 20 है, तो 10/20 = 1/2, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है ऑड नंबर की बॉल अगर आप निकालते हैं। दूसरा बोलता है कि आ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 10, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है आ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 10, मतलब एक ऐसा नंबर निकलना चाहिए जो 10 से डिविजिबल ना हो। इसके लिए मैंने बेटा आपको ऑलरेडी एक बार बताया हुआ है कि आप दो तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, कि जो डिविजिबल है उसको निकाल के अगर आप -1 से कर देते हैं तो भी आपका नॉट डिविजिबल पता चल जाता है। ठीक है, और अगर आपको पता है कि जो 10 से डिविजिबल है, यहाँ पे सिर्फ दो ही नंबर है, एक आपका 20 है और एक आपका
10 है, ठीक है ना। तो बाकी कितने नंबर बचेंगे, 18 बचेंगे। तो 18 बाय 20 क्या होता है, आपका आंसर होता है, वो प्रोबेबिलिटी आती है कि जिस जो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा, जो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, चांस बहुत ज्यादा है ऐसी बॉल के बाहर आने के लिए जो 10 से डिविजिबल ना हो जिसका नंबर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका अ मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 में आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है कि कौन कौन सी चीजें जो जो नंबर 4 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे 4 इटसेल्फ हो जाता है, 8 हो जाता है बेटा, 12 हो जाता है और 16 हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे 5 नंबर हैं जो आपको मिलते हैं प्रोबेबिलिटी में अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे 4 नंबर हैं जो आपको मिलते हैं, तो 4 बाय आपका कितना हो जाता है 20, दैट इज कॉल्ड 1/5। ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है ऐसे नंबर को ढूंढने की जहां पर, इसका मतलब है कि 5 बार चांस अगर आप डालते हो तो उसमें एक बार ऐसा चांस मिलेगा कि हो सकता है वो नंबर फाइंड आउट किया जा सके या वो नंबर आ जाए जिस जो 4 से 4 का मल्टीपल हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो यहाँ पर ऑलरेडी उसने बोल दिया कि 2 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए, आ नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, या इसको डिविजिबल बाय 2 और 3, या फिर आप इसको बोल सकते हो आ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, क्योंकि हम ऑलरेडी मैंने डिविजिबिलिटी रूल में आपको ये चीज सिखाई थी कि जो भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा वो ऑटोमेटिकली 6 से होगा ही होगा। तो आप अगर चाहे तो ये मेरी वीडियो देख सकते हैं, आपको सीड अकेडमी की प्रीवियस वीडियोस में सारी मिल जाएंगी। और जिस बच्चे ने भी मुझे सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके क्वेश्चंस की कंटिन्यूटी ना टूटे और आप हर पॉइंट को अच्छे से सीख पाए। अगर आप रियलिटी थोड़ा सा बेटा आप थोड़ा सा टाइम डिवोट करते हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आएगा और इन फ्यूचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना। तो यहाँ पर ऑलरेडी 6 की बात करते हैं, तो 6 आपका एक होगा, एक आपका बेटा 12 आता है, यहाँ पर एक 18 आता है। तो 3 ऐसे नंबर होंगे जो 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल रहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे यहाँ पर कितने हमारे 1, 2 और 3 आता है, तो 3/20 आपका आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 37 डिस्कस करते हैं बेटा, कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 नंबर इज 11। यहाँ पर वो ये बोलता है कि एक 2 डिजिट का जो नंबर है, एक कोई भी उसने सेलेक्ट किया है 2 डिजिट का नंबर जिसका सम क्या है आपका, इसका सम आपका 11 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर बोलता है जो सम है 2 डिजिट का 11 होना चाहिए, राइट द नंबर। सबसे पहले उन नंबर्स को हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 डिजिट का नंबर है और आपको क्या चाहिए, 11 चाहिए, ठीक है। तो आपको 11 के लिए 1 और 9 भी कर देते हैं तो भी 10 होता है, तो यहाँ 1 से तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आप शुरू करेंगे बेटा 2 और 9 से, 2 और 9 प्लस मिला के क्या बनता है, 11 बनता है। उसके बाद आप करते हैं 3 और 8 से, 4 और 7 से, 5 और 6 से, 6 और 5 से, 7 and 4 से, 8 और 3 से एंड 9 और 2 से। ये आपके जो है ऐसे 2 डिजिट्स नंबर है जिनका आप दोनों डिजिट को अगर प्लस करते हो तो आपको सम 11 मिलता है। यहाँ पर ऐसे कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप देख रहे हैं जो हमारा आउटकम्स है, जो टोटल और नंबर ऑफ आउटकम्स है वो क्या है, यहाँ पर 8 है। तो ये पहला आपका पार्ट है। उसके बाद वो दूसरे क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सच अ नंबर इज इवन। उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, कि ऐसे नंबर की जो इवन है, ठीक है, क्या है, इवन है। तो इवन आपको ऑलरेडी पता है जिसके पीछे भी 2, 4, 6, 8 या 0 आता है वो इवन होते हैं। तो यहाँ पर 38 इवन है, 56 एक इवन है, 74 एक इवन है और एक 92 भी इवन है। तो ऐसे हमें कितनी डिजिट्स मिलती है जो इवन है, यहाँ पर 4 डिजिट्स जो है वो इवन है। तो 4/8 इज इक्वल टू 1/2 आपका आंसर आ जाता है। ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर हमें उन 2 डिजिट्स में से जिनका टोटल करने पर 11 आता है, अगर उन दोनों में से
वो डिजिट्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो डिजिट्स निकले जो इवन नंबर की हो, तो उसकी क्या आती है, 1/2 आती है। इसका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सच नंबर इज ग्रेटर देन 50। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 50, ठीक है, ग्रेटर देन 50 बोल सकते हैं या आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन 50, जो 50 से ज्यादा हो, नॉट इक्वल, ठीक है। तो 50 से ज्यादा आप यहां देख रहे हैं कितने नंबर्स हैं, 56, 65, 74, 83 एंड 92। तो यहां पर आप देख रहे हो 2, 4 और 5 ऐसे नंबर हैं जो क्या है आपके आपके उससे दैट्स 50 से ज्यादा है, ग्रेटर देन है। तो 5/टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 8। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा डी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सच अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब उसने बोला है कि ऐसा नंबर बताइए जो 11 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो यहां पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल ऑफ 11। तो डिविजिबल की ऑलरेडी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि आप क्या होता है, जब आपको कोई भी डिजिट होती है तो इवन और ऑड होता है, वो बड़ी डिजिट्स के लिए होता है। लेकिन यहां आप साफ देख पा रहे हो कि 29 11 की टेबल में नहीं आता है, 38 47 56 65 74 83 एंड 92, इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 11 का मल्टीपल हो। तो यहां पर आपकी क्या है, चांसेस क्या है, जीरो है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8 है। तो आंसर आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कई बार ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जिसमें आपकी पॉसिबिलिटी जीरो होती है, लेकिन फिर भी उसको पूछ लिया जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, क्या पूछा गया है और क्या चीज है, उन दोनों को मैच करके ही आपको अपना आंसर निकालना है, ओके। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, लेकिन बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप थॉरली और ध्यान से इसकी जो वर्ड्स होते हैं, जो इनकी इसकी टर्म्स होती है, उसको ध्यान से समझें, तभी आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर पाएंगे और पूरे नंबर स्कोर कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन आपका स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ये इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं और सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां पर 38 क्वेश्चन आपका बोलता है कि जो सूर्य एंड दैट इज संहिता आर स्टडिंग इन द सेम क्लास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज एंड सेम बर्थडेज, ओके। यहां पर बोला गया है कि दो बच्चे हैं यहां पर, एक है सूर्य और एक है संहिता। तो यहाँ पे सूर्य और समिता का बर्थडे सेम डे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक्चुअली इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक बात को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ना ही ईयर मेंशन किया गया है, और ना ही ये बताया गया है कि ये नॉर्मल ईयर है या ये लीप ईयर है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस अलग हो जाती है। अगर वो नहीं बोलते हैं कि ये लीप ईयर है, तो आपको इसे ऑर्डिनरी ईयर की तरह ही यूज करना है कि ये ऑर्डिनरी ईयर माना गया है जिसमें 365 डेज है, ओके। तो पहले हम लोग करते हैं, यहाँ पर ऑर्डिनरी ईयर मानते हैं जिसमें टोटल डेज इन ईयर आपके होते हैं 365 होते हैं, ओके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन वो पूछता है कि पहली प्रोबेबिलिटी पूछी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिफरेंट बर्थडेज, ठीक है। तो आपके क्या है, डिफरेंट बर्थडेज आए, कि आपके जो बर्थडेज है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, मतलब सेम डे पे नहीं होना चाहिए। आप पॉसिबिलिटी क्या होती है कि आप 365 में से कोई एक ऐसा दिन होगा जिस दिन उनके बर्थडे सेम होंगे, बाकी जो माइनस करते हैं 364, जो 364 डेज है वो डिफरेंट होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो यहां पर क्या होगा, अगर डिफरेंट बर्थडे है तो पॉसिबिलिटी है कि 364 ऐसे डेज होंगे जिसमें उनके क्या होंगे, बर्थडे होंगे। और अगर वो पूछता है कि सेम बर्थडे, अगर ऐसा कोई मंथ, ऐसा कोई डे है जिसमें सेम डे पर उनका बर्थडे है, तो वो एक बार ही, क्योंकि जो ईयर में जो बर्थडे आता है आप सेलिब्रेट करते हो वंस इन अ ईयर करते हो, तो एक दिन ऐसा चांस होगा जिस दिन उनका बर्थडे क्या होगा, कंबाइन होगा, एक साथ वो सेलिब्रेट करेंगे। तो देयर इज द ओनली वन डे इन ऑल द ईयर कि आप उसमें से एक डे ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जिस टाइम पर आपका सेम बर्थडे होगा, तो दैट इज कॉल्ड 1/365, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। होपफुली आपको समझ में आया होगा।
और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. इन नेक्स्ट सेशन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. सी यू सून. थैंक यू. बाय बाय.